हर हर महादेव। तो और ये हम आ गए अपने भोले बाबा की नगरी में, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काफी गाड़ियां खड़ी हैं, यानी कि काफी रश है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और यहाँ हम आ गए हैं अपने भोले बाबा की नगरी में अपने महादेव के दर्शन करने। A few moments later. तो हेलो गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नैलास। और पीछे महादेव की मूर्ति, 108 फीट ऊंची मूर्ति है। ये सब पीछे आ रहे हैं एक एक करके। ठंड बहुत 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 ज्यादा ठंड है, देखते हैं। तो अब हमने सबने शूज उतार दिए और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। बैग भी यहीं रख दे, सब कुछ यहीं रख दे, जैकेट भी रख दे अपनी 12,000 रुपए वाली, किसी के तो पड़ेगी हाथ में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो हम यही रख के जाएंगे। फोन नहीं, फोन को जेब में रख के जाएंगे। ओ भाई क्यों गुस्सा कर रहा है, धीरे थोड़ा। ये देखे दरवाजे में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अभी हम सब ने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। मंदिर है जतिन भाई, यही हो, अपने अपने जितनी लकड़ियाँ ले चार। यहाँ हम हाथ सेक रहे हैं, पैर भी पैर भी देख रहे हैं। ये हमारे प्रो राइडर बैठे, ये आग का पूरा आनंद लेते हुए। ये तो अभी से वीडियो एडिट करने शुरू हो गया। ये बंदा ऐसा है भाई, रिकॉर्ड बाद में करता है, एडिट पहले करता है। उसको ब्लर नहीं लग रही यार वीडियो, या भाप जमगी जो अंदर रहे। चलो अभी इसी से चार सारना पड़ेगा जो भी है। बोली को आ कहते हैं, फ्लैश ऑन करने से लाइट बज नहीं रही थी। अच्छा, अंदर फोन अलाउड नहीं थे। आप बाहर है भाई। भाई मैं उधर बता रहा हूँ, अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे। तो दर्शन हमने किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए। आप कभी भी आओ तो प्रसाद वगैरह अपना घर से ले जाओ, वो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है उसकी। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। बाकी अब किसी से यहाँ पूछेंगे थोड़ा भोलेनाथ के बारे में, जितनी जानकारी हमें इस मंदिर के बारे में मिल सकेगी हम लेंगे। बाकी दर्शन हमने किए, बहुत मजा आया दर्शन करके। हर हर महादेव। उस्ताद जी, ये जो लंगर कितने बजे शुरू हो जाता है? 5-7 मिनट। बस ठीक है, तैयार हैं जी हम, पेट हमने खाली कर लिया बिल्कुल। सबको इच्छा का पूरे हो गए बंदे, छोटे 6 बंदे हैं जी। ले अखिल, ये लो भाई, ये चाय का आनंद लेते हुए। ले लो भाई, अभी साथ साथ हाथ सेकेंगे, साथ साथ चाय पियेंगे। बस बस बढ़िया जी, सेवा करनी है तो सेवा भी करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। आप किसके चाय भाई? होगी, साथ साथ चाय पियेंगे, साथ साथ आग सेकेंगे। ठंड बहुत है, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 2-3 डिग्री होगा। फॉग डल गई है, बहुत ज्यादा फॉग है। आजा भाई, थोड़ी थोड़ी बाहर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहीं पे है जो है। बाकी मजा बहुत आया, दर्शन बहुत अच्छे हुए महादेव के। कुछ भी है, दर्शन बहुत अच्छे हुए महादेव के। भाई साहब कैसा लगा आपको टेंपल? यार बहुत अच्छा टेंपल है, तुम कभी आना। और अगर आपको रास्ते का नहीं बताओ तो इसको जरूर कमेंट करना, ये आपको जरूर बताएगा। और बहुत बेहतरीन जगह है, यहाँ पे ठंड हो या चाहे गर्मी हो मन लगा रहता है बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं,
हर चीज में हेल्प करते हैं। हम तो आराम से ना वहाँ खड़े थे, तो यहाँ पे उस्ताद जी हैं, पर्सनली पूछने आए कि हाँ जी चाय पानी कुछ, तो मतलब बहुत अच्छे सेवा भी, सेवादार बहुत अच्छे हैं और हर बंदे को पूछते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा है छोटा है, बहुत अच्छी जगह है, तुम कभी आना टाइम निकाल। हमें ठंड लग रही तो ये हमारे आकाश जी है, ये कुछ कहना चाहते हैं आग के बारे में। तो जली को आग कहते हैं, पूजी को राग कहते हैं। आगे भाई हमें नहीं पता, आगे इनका है भाई, हमेशा ही मेरा हो ये भी कोई बात नहीं। अखिल आज अब इस बार तेरी तरफ से कुछ हो जाए, मेरी तरफ से क्या हो जाए, आग के बारे में कुछ हो जाए, ठंड का मौसम है तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक है? ट्राई कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ बोल सुन लो। हाँ जी हाँ जी, भूजी को राग कहते हैं, जली को आग भी कहते हैं, और चाय पकौड़े के साथ खाई हुई भांग भी कहते हैं। ये कुछ नहीं होगा, इसको सर कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, इसको सर कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, पर जो तेरी बात थी उसका कुछ भी नहीं था, इसका तो बिल्कुल नहीं था। कहते हैं जो सुबह सुबह से दो दिन मंदिर में आ जाए उसको भक्त महाकाल के कहते हैं। ये दोबारा हो जाने चाहिए। हाँ जी फरमाया जाए, जली को आग कहते हैं, बुजी को राग कहते हैं, जो इतनी धुन में सुबह सुबह मंदिर आ जाए उसे भक्त महाकाल के कहते हैं। वाह वाह वाह, हर हर महादेव। पे आके एक चीज सीखी है जो बहुत ही बेहतरीन थी, वो ये थी भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठा कर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद ना हो, इतना ही थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। तो अब हम निकल रहे हैं वापस चंडीगढ़ के लिए, अपने घर के लिए। रास्ते में रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके चलेंगे भाई, ब्रेकफास्ट करके चलेंगे, बाकी सब वेले, हम सब काम धंधे वाले बंदे हैं, समझ रहे हो? बंदा आया नहीं हमारा, बंदा आया नहीं हमारा, गोली दे गया सुबह सुबह बस, उसका भी हम नाम काट रहे हैं लिस्ट में से, शॉर्ट लिस्ट हो रहे बंदे। यहाँ की क्लिप तो बनती है ना एक भाई, ना ये भी कौन? हेलो सर, अंकित जी, मिस्टर अंकित शर्मा, गाइस जूते वालों, भोलेनाथ मिलेंगे या कैलाश में या नलाश में, दोबारा कट करके दोबारा बना ले, मैंने जूते लेके आया बीच में। तो अब हम निकलने की पूरी तैयारी में, बस अपने बैग उठा के, अपने शूज उठा के, कुछ कह रहे थे तुम अभी, एक बार फिर से कह दो, भोलेनाथ मिलेंगे या कैलाश में या नलाश में, हर हर महादेव। इसका ऐसा कहने का मतलब है या तो अब हम निकलते हैं यहाँ से पूरी तैयारी में। वो कहाँ गए सारे? वो आग सेकने हैं, आग सेकने। तो शूज वगैरह हमने सब ले लिए अपने, अब यहाँ से निकलेंगे। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, पार्किंग बहुत अच्छी है, आप जब भी आओ पार्किंग देखो कितनी बड़ी है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। एक हमें यहाँ पे हमारा दोस्त मिला छोटा सा, इसकी क्लिप भी आपको देंगे। हेलो हेलो, कहा जाता है कि जो डॉग्स होते हैं वो भैरव बाबा का रूप होते हैं, तो जहाँ भोलेनाथ है वहाँ भैरव बाबा भी होंगे। देखो कितना प्यार कर रहा है, हेलो हेलो, हर हर महादेव। तो हम रेडी हो रहे हैं,
रेडी होंगे, रेडी होने के बाद अब निकलेंगे सीधा चंडीगढ़ के लिए। और ये सुशील भाई आ गए, और वो पीछे एंटोर का रही है। तो हम यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये अपने व्हीकल्स पार्क कर दिए हमने, उसके बाद चाय का ऑर्डर दिया है, पराठों का ऑर्डर दिया है, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद अपने अपने डेस्टिनेशन, सबने किसी ने घर जाना है किसी ने कहीं जाना है। भैया ऑर्डर कह रहे हैं कुछ, अब सबका प्रोग्राम बन गया कि एक एक तो खा ही लेते हैं। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया, कम से कम महीने से ऊपर हो गया मेरे को व्लॉग बनाए को, बहुत दिक्कतें आई थी बीच में, हमने बीच में हमने एक चूड़धर का व्लॉग ट्रिप मारा मैंने, और कहाँ गया था याद नहीं कहाँ गया था, बीच में दो राइडें मारी हैं, हाँ एक ब्रेव हार्ट्स राइड का ट्रिप मारा है, उन दोनों के व्लॉग नहीं बने, उनके रील्स कुछ क्लिप्स हैं वो जरूर डालूंगा इस वीडियो के लास्ट में। बाकी मज़ा बहुत आया आज की राइड करके, इंजॉय किया, अब ढाबे पे चाय पानी पियेंगे। कुछ भी है, ओवरऑल मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो मंदिर था ना, रूह खुश हो जाती है। एक बार सबको मैं यही बोलूँगा कि जाओ, जाके दर्शन ज़रूर करके आओ, कहते हैं कि भोले बाबा मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, आज के लिए इतना ही था। होप यू इन्जॉय माई व्लॉग, माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आप सबकी दुआएं हैं जिसके साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। चंडीगढ़ के रजिस्टर्ड राइडर हो चुके हैं, उसकी फ़ोटो डालूँगा मैं इसी क्लिप में लास्ट में, क्योंकि उसका भी व्लॉग नहीं था मेरे पास, बना नहीं पाया मैं वीडियो, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को, घर वाले बहुत खुश हुए थे। बाकी आप सबकी जो साथ है, आप सबका सपोर्ट है, उसके साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे तक जाएंगे। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।